अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वाई के कोटलो। दोस्तों आज मैं हूँ पुणे वेलकम हॉल के नज़दीक जो एस एग्रो की शॉप है गोडफ्रीड की, उसके बाजू में यहाँ पर बकरे लाए हुए हैं और हमारे साथ अभी मौजूद है जैद भाई और सफदर भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैद भाई, बकरीद का सीज़न स्टार्ट हो चुका है जी और माशाल्लाह आपने काफ़ी अच्छा माल लाया है ये बारी जी। तो एक्चुअली ये जो मैं तो बता दिया है कहाँ पर है, एस एग्रो के बाजू में आपने, तो ये मंडी बोलेंगे इसको? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इसको अभी मंडी बोलेंगे। हमने ये व्यापार बकरे उतारे जी, इंशाल्लाह फिल वक्त में तो हम लोग की यही मंडी है, यही से अल्हम्दुलिल्लाह सेलिंग चालू कर दी हमने जी। तो ये बारी का जो अभी बकरे का रेट है, हाई या रिजनेबली बोलेंगे इसको? देखो कुर्बानी का तो दाम हर साल बढ़ते ही जा रहा, ऐसा तो देखने नहीं मिला चार पाँच साल में क्या रेट टूट गए या रेट कम हो गए बकरे के। कुछ क्लाइमेट के वजह से कभी कभी हो जाता है थोड़ा सा 19-20, लेकिन बढ़ते मटन के रेट के हिसाब से ये साल भी थोड़ा सा रेट ऊपर ही रहेगा। उसकी और एक वजह ये है क्या, जैसे पूना के अपने अतराफ के फार्मों पर पहले लोकल में माल मिल जाता था जी, जैसे छोटे मोटे फार्मों पे कुर्बानी के लाइन से काफ़ी लोग बकरे पालते थे जी। लेकिन इस साल हमारा प्रायर पहले कोशिश यही रहती थी कि नज़दीक से माल जमा कर लेकर आए कुर्बानी का, लेकिन अतराफ के अंदर माल ही नहीं, और उस वजह से हमको अभी राजस्थान से सारी परचेजिंग करना पड़ी। ओके ओके। तो ऐसा बोल सकते कि ये साल थोड़ा सा रेट टाइट ही होगा। अच्छा, माल नहीं बोल रहे आप, ये तो ये राजस्थान से आपको लाना पड़ा जी बिक्री के लिए जी। तो कितने बकरे लाए आपने अभी टोटल यहाँ पर? है ना, ये ब्लॉक के अंदर 130 बकरे है, और बाजू में सेम ऐसा ही और एक शेड है ये पतरे के पीछे जी। इसमें लगभग 150 बकरे बाजू मरे, टोटल 250-260 बकरे अल्हम्दुलिल्लाह भी है फिल वक्त में। वो तो पहला ही लॉट आपने माशाल्लाह काफ़ी बड़ा लाया जी जी। और ये माल सेट किया हुआ है यहाँ पे? ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरा माल सेट है, इसके अंदर कोई ऐसा बीमार वगैरह नहीं है, कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे बकरे सेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ दिनों से इधर आए, खा रहे पी रहे, आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर माशाल्लाह बकरा कोई इसके अंदर ऐसा नरम गरम नहीं है, सब बकरे सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। और जाहिर भाई मैं देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मिक्स ब्रीड है जी, इसमें सिरोही सोजत बरबरा भी दिखा मुझे एक दो, और पंजाबी भी है माशाल्लाह जी। तो काफ़ी अच्छे अच्छे बकरे नग एक एक नग ढूंढ के लाए आपने? हाँ, थोड़ा सा अपने जो भी अपने व्यापारी है उनके ज़रिए से थोड़ा मिक्स कलेक्शन जमाए, ताकि कुछ कस्टमरों को कैसा है वाइट पल ज़्यादा पसंद करते हैं जी जी, कुछ को थोड़ा पैच वाला सिरोही पसंद आता है, किसी को बरबरे पसंद आते जी, किसी को कोई बीटल घस्सी की डिमांड रहती जी। तो उस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह सब मिक्स कलेक्शन लाए ताकि पसंद के लिए कोई दिक्कत ना आए। और मैं एक देख रहा हूँ कि बकरे पे चमक काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी है माशाल्लाह। एक एक बकरे तो माशाल्लाह चमक रहे हैं क्या जी, चमक जी। बहुत अच्छी है इनमें जी, जी। और ये अंडो एक खस्सी है पूछना, ये सारे खस्सी है भाई इसके अंदर जी, इसीलिए मार रहे नहीं एक दूसरे को ये। हाँ, खस्सी का एक यही प्लस पॉइंट रहता है कि ये मारते नहीं है। हाँ, छोटा बच्चा नहीं घुमा सकते। फिल वक्त में जो अपने पुणा के लास्ट 2 साल से हम लोग ये कर रहे, कस्टमर की मांग खस्सी की ज्यादा है जी, लोग खस्सी प्रिफर करते, इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये साल पूरा मैक्सिमम खस्सी का ही इरादा है अपना। ओके ओके। तो जैद भाई काफ़ी सारी बात हो गई, तो ये रेट कैसे रहने वाला है इस पर डिस्कस कर लेते हैं जी। इसके अंदर देखो भाई, दो किस्म के स्लैब रखे अपन ने, एक वाइट माल है इसके अंदर जो सोजत का है जी, दिखाओ जरा इशरक भाई, एक दो दो तीन बकरे वाइट वाले अपने निकाल के जी जी। ठीक है, यहाँ पर भी एक दिख रहा है। हाँ, ये फुल वाइट है जी, इसमें जितने वाइट बकरे हैं ना सोजत के जी, माशाल्लाह सब गुलाबी में भी है और दो दो दांत लगे हुए बकरे जी। अप्रोक्स ये 50 kg के आसपास में अल्हम्दुलिल्लाह पट्टी है ये पूरी। अच्छा अच्छा। और इसमें सोजत के जो वाइट माल है इसका अप्रोक्स रेट जो है ना हम लोग का 600 rupees पर kg है, 600 rupees per kilo। 600 rupees per kilo जी, व्हाइट माल का बोल रहे हैं आप जी? व्हाइट माल का। तो ये जो कलरफुल है इसमें थोड़ा सा कंसेप्शन मिलेगा शायद, है ना कम? हाँ, इसके अंदर देखो और भी है, सोजत सिरोही के अंदर है पैच वाले बकरे हैं जी जी, प्लेन सिरोही वाले भी बकरे हैं, जैसा ये देखो ये पैच वाले बकरे हैं जी, ये हो गया वो हो गया, तो ये एक अलग इनका रेट अलग है। ये बकरे आपको इंशाल्लाह 5
25 रुपीज पर के जी के हिसाब से मिल जाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जैद भाई, आप बोल रहे थे कि रेट ज्यादा है, वो तो ठीक ठाक ही रेट है ये। अल्हम्दुलिल्लाह देखो, ये लॉट जो है ना हमको सस्ता मिल गया। हम लोग ने रेट भी अल्हम्दुलिल्लाह रिजनेबल रखे और अल्हम्दुलिल्लाह माल बिकना भी स्टार्ट हो गया। तो ये रेट जो है ना, ये रिजनेबल रेट रखे हुए ये लॉट के लिए। इसके आगे कौन सा माल आएगा, क्या रेट का आएगा, तो उसके बारे में अपन अभी रेट पे नहीं डिस्कस कर सकते। फिल वक्त में ये जितने बकरे हैं अपने पास में 250-300 के आसपास बकरे हैं, तो इनके लिए यही रेट है 525 रुपीज सिरोही बीटल उसका ये रेट है। तो अभी ये जैसे कि आप एवरेज पट्टी बोल रहे हैं 50 किलो की पट्टी है, तो कुछ छोटे भी दिख रहे हैं इसमें मुझे, जैसे कहते हैं एक छोटा है। हाँ, जैसे वो छोटा है, जो हमारे भाई है जो कम बजट लेके चलते हैं, उनको घर भी चलाना होता है। जी जी, तो एक वो कुर्बानी भी करते है कि नहीं क्या चल रहा है काफी सालों से, तो उनकी एक अमाउंट छूट रही थी कि इसमें मुझे कुर्बानी करनी है, तो जी जी। भाइयों को बकरे मिलेंगे यहाँ पे इंशाल्लाह? मिल जाएंगे भाई। देखो हमारे पास में 35 केजी से 32 केजी से स्टार्ट है और लगभग 80 किलो तक के भी बकरे हैं इसके अंदर। तो अपने बजट के हिसाब से लोग आके सिलेक्ट कर सकते हैं। जी जी, बार्गेनिंग वगैरह का कोई ये नहीं है कि भाई मंडियों का हिसाब नहीं है कि जैसा आए फिर एक कीमत बोले फिर उस पर दो, कि फिर कस्टमर को भी डाउट आता है कि भाई यार मैं महंगा ले रहा है सस्ता ले रहा। वेट वाइज है, आप आके अपना बकरा सिलेक्ट करके वेट करके उसका जो भी डील कर सकते हैं। जी, वजन काटा है आपने यहाँ पे? जी, वजन काटा है यहाँ पे, अवेलेबल है वजन काटा। तो जो भी भाई अगर लेंगे तो अभी काफ़ी ये दिक्कत होती है कि बकरा अभी रखने का काफ़ी किल्लत होती है, लोगों को जगह नहीं होती है। जी, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? जैसे कि अभी अभी फिल वक्त में तो देखो अभी ये हम लोग की शुरुआत है और इंशाल्लाह इसके पीछे भी और लॉट आने हैं बकरे के। तो फिल वक्त में तो रखने की सहूलत के लाइन से हम लोग कुछ ऑप्शंस नहीं हमारे पास में अभी। लेकिन इंशाल्लाह कभी कुछ ऑप्शंस होते हैं रखने के लाइन से, तो फिर वैसा बकरा भी देंगे अपन इंशाल्लाह। जो खिलाई पिलाई का चार्ज है, जैसा समझो आज बकरा कोई खरीदता है 2-4 दिन के लिए, अगर बकरा रोकना चाहता है तो हम 2-4 दिन के लिए फिल वक्त में बकरा रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ से लेके कुर्बानी तक के थोड़ा सा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह उस पर वर्कआउट करेंगे। इंशाल्लाह अपने फार्म पे या कहीं पे कुछ ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे कुर्बानी तक बकरा होल्ड करना है, तो उस पर हमारी अल्हम्दुलिल्लाह चालू है बात। अगर वो हो जाती है तो इंशाल्लाह वो भी कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं इंशाल्लाह, वो भी कर देंगे इंशाल्लाह। जी, उसमें काफी लोगों को सहूलत हो जाएंगी। हाँ, हमारी कोशिश रहेंगी क्या या अभी किसी को पसंद आता है बकरा तो वो लेकर हमारे फार्म पर रख सकता, लेकिन अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है। इंशाल्लाह वो फाइनल हो जाएंगी वहाँ का अरेंजमेंट, तो इंशाल्लाह वैसे भी देंगे बकरे। जैद भाई, यहाँ पे काफी सारी बात कर ली, वो दूसरा लॉट भी दिखाते हैं हम जाके। जी, आधी अधूरी जो बात बची है वहाँ पे कर लेंगे इंशाल्लाह। जी जी जी, अभी हम आ चुके हैं इनके दूसरे बाड़े में। जैद भाई, इसमें ज्यादातर कोटा काफी दिख रहा है मुझे। जी, ये जो सेकेंड वाला लॉट है ना, इसमें कोटा की खस्सी है और कुछ मालवा की भी खस्सी है मिक्स है इसके अंदर। तो इनका प्राइस भी वही है क्या जो आपने बताया, 525 शायद ना? हाँ, वही रेट के वही रेंज है, सेम रेट है। भाई काफी बार ऐसा होता है कि कुछ भाई हमारे होलसेल में भी ट्राई करते हैं, जी, जी, 10 से 15 बकरे 20 बकरे। जी जी, तो उनको भी यही दाम देने ले आपके? नहीं नहीं, रीसेलर्स के लिए इंशाल्लाह किसी भाई को अगर क्वांटिटी में चाहिए तो इंशाल्लाह उसके लिए कुछ गुंजाइश कर देंगे, बाकी वो यहाँ पर आके जो नग छाटते उसके हिसाब से इंशाल्लाह रेट डिसाइड होंगे। ओके, और जैद भाई अभी एक काफी बड़ी एक समस्या है के 2000 के नोट का थोड़ा सा सितंबर तक भरना पड़ रहा है ना। अच्छा, तो हमारे काफी सारे भाइयों का 2000 के नोट भी होंगे। जी, तो उसमें कुछ जैसे कि आप थोड़ा सा चला कर ऐसा कुछ करेंगे उसमें, जैसे कि पेमेंट का मसला है तो किसी भाई के पास 2000 के नोट पड़े कैश? देखो उसको ऑफिशियली हाँ तो अभी फिल वक्त में नहीं बोल सकते, लेकिन इंशाल्लाह उसके अंदर कुछ सहूलत का रास्ता निकाल के इंशाल्लाह करेंगे उसको। जी भाई, जी जी, यहाँ पर आपने जैसे कि बोला 250 बकरे टोटल, तो दोनों मिला के 250? जी, दोनों मिला के 250, और भी इंशाल्लाह पीछे बकरे, इनके पीछे भी और 200-250 बकरे आने आने। लेकिन ये जैसा माल अभी अपन जो रेट की बात कर रहे हैं वो ये माल के रेट के लाइन से बात कर रहे हैं, इसके बाद का माल क्या रेट से आएगा वो तो अलग, वो अलग हो सके तो इससे कम भी हो सकता है या स्टेबल भी रह सकता है या ज्यादा भी हो सकता है ना, करोगे कम हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि देखो कस्टमर को कम से कम रेट में दे, लेकिन मार्केट की और फिलहाल क्या पोजीशन रहती है उसके हिसाब से डिसाइड होगा। आप मार्केट घूमते गांव-गांव जाकर बकरे चूज करके लाते हैं, तो आप थोड़ा सा ज्यादा अनुभव है ये चीज का? हाँ, अनुभव एक्सपीरियंस की तो बात है ठीक है, लेकिन कैसे अभी जैसे कुर्बानी के अभी जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तो बट ऑब्वियस मार्केट इसका टाइट चलेगा, और जो हिसाब से मटन के रेट हर साल बढ़ते जा रहे, लास्ट ईयर जो थे अभी उससे ज्यादा है, तो व्यापारी को भी डबल ऑप्शन रहते बकरों की लाइन से, तो उस हिसाब से रेट तो बढ़ते ही रहेंगे। जी, तो जैसे कि अभी आपने कहा कि 525 रुपये किलो है, तो 20 किलो का बकरा होगा समझो, 20 किलो का बकरा है आपका? नहीं, 20 किलो का तो कम नहीं, से कम कितने किलो का है? 35 केजी के आसपास पकड़ के चल सकते हैं। तो कितना होगा 35 केजी का? 100 पास से 20,000 रुपये
18,000-19,000 रुपए के आसपास जी। तो 18,000 रुपए के ऊपर ही बकरे आपके पास? हाँ, जो निकल जाता है समझो, उसके नीचे भी कोई निकल गया तो जो कैलकुलेशन होगा उसका रेट का उस हिसाब से। ट्रांसपेरेंट काम है, काटा करो, पैसा दो, खत्म। जी जी जी, इसमें क्रिस्टल क्लियर काम रहता है, आपका बकरा जितना किलो बड़ा उतना पैसे दो, ले जाओ, इसमें बार्गेनिंग का वगैरह कुछ मसला नहीं है। वजन में क्या हो जाता है आजिम भाई, कस्टमर को ना क्या बोलते है, एड़ा बनाने का चांस नहीं मिलता है एकदम। मतलब कोई ऐसे भी कस्टमर्स है जो बकरा सिर्फ साल में एक बार लेते हैं, उनको नॉलेज नहीं होता, तो एक सिंपल कंसेप्ट है भाई, कांटे पे डालो, वजन देख लो, कैलकुलेट करो और पैसा दे जी। और भाई ये चीज भी काफी लोग ये नहीं करते कि भाई किलो पे किलो में जिसको एतराज है तो फिर उसके लिए हम लोग ऑप्शन खुला रखते हैं, जैसा पसंद करे फिर रेट भी डिसाइड होगा, बता देंगे ना पैसा। हां, नक के बता देंगे ना, कोई प्रॉब्लम जी जी। तो एड्रेस तो मैंने बता दिया है यहाँ पे जी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये माल जाने का भी आपका काफी माल आने वाले जी इंशाल्लाह। और ईद तक ये मंडी यहाँ पे लगेगी? हाँ, ईद तक इंशाल्लाह कोशिश है कि यही से सेलिंग करेंगे ताकि लोगों को इधर सहूलतें आने के लिए, कौसर बाग से मतलब एकदम नजदीक है, कोंडवा के लोगों के लिए बहुत सहूलत है, इसके लिए हम लोग ने इधर रखे बकरे। ये एग्रोफिट रजिस्टर्ड भी है। हाँ, तो गूगल मैप पे हमारे भाई अगर आना चाहते हैं यहाँ पे तो गूगल मैप पे एस एग्रो रजिस्टर है, तो डायरेक्ट यहाँ पर जी 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 ये गेट पर ही आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी, ठीक है। जज़ाकअल्लाह ज़ैद भाई, अल्हम्दुलिल्लाह आपने काफ़ी सारे जो हमने बात की उसमें जो रेट है वो बताया है, तो जो भी हमारे भाई लेने में इंटरेस्ट है इंशाल्लाह आपको कॉल करेंगे। आपका नंबर देना है स्क्रीन पे, 9970-838-221 जी। आप ही का देना है सफदर भाई का भी ले लेना जी, 9860-44-0277 जी। ठीक है, जज़ाकअल्लाह भाई। दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में ये काफ़ी सारे बकरे आपको दिखाए, तो अगर आपको कुर्बानी के लिए बकरा लेना है तो माशाल्लाह काफ़ी सारे ऑप्शन है आपके पास, तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें और अपना बकरा चूज़ करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलामुअलैकुम।